हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। आज डेली गाइडेंस प्रोग्राम में मैं आपको आर्ट एंड कल्चर के डे 7 के टारगेट्स दे रहा हूँ। एंड आई नो बीच में 2-3 दिन का गैप था, राइट? एंड दैट गैप वाज ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, बट अगेन जहाँ तक आप लोगों ने उस गैप को यूज़ किया होगा, जो 2 दिन का एक्स्ट्रा गैप आपको मंडे ट्यूजडे का मिला है, आई होप यू हैड यूज देम टू कवर अप बैकलॉग्स और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी नितिन सिंघानिया में, उसको कवर करने के लिए आपने यूज़ किया होगा। आज मैं आपको डे 7 के 9 नवंबर के टारगेट्स दे रहा हूँ, एंड दिस वुड बी दी सेकेंड लास्ट डे। इसके बाद कल हम और जो होगा लास्ट डे होगा हमारे आर्ट एंड कल्चर का, एंड वी वुड बी कवरिंग मोस्ट ऑफ दी थिंग्स। और परसों से हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे हम परसों से, एंड अगेन इसमें हमारा मेन सोर्स रहेगा स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो हमारा मेन सोर्स रहेगा स्पेक्ट्रम रहेगा इसमें। ठीक है, वी विल फोकस ऑन दैट, प्लस ऑब्वियसली एडिशनल उसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी भी हम जो है यू नो आवर पास्ट 3 जो है, और जो आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो है पार्ट 3 है, वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट वुड बी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और उसके लिए दो सोर्सेस है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम एंड द एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये दोनों आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, नाउ एज फार एज डे 7 के टारगेट्स आर कंसर्न, सो होपफुली आपने जो कल्चर ऑफ इंडिया में जो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे, राइट, और आपने खुद से भी जो बचे हुए दिनों में जो रिलेवेंट चैप्टर्स आपने कोशिश किए होंगे करने की, ठीक है, एंड अगर कुछ बचा हुआ है तो प्लीज फिनिश इट ऑफ नाउ। देखिए, ये इतना ज्यादा इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो आई वुड से दिस इज लेस इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस, ये भी लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये भी जो है अगेन इसमें आपको ब्रीफली स्पेशली एंशियंट टाइम्स का आपको पढ़ना है, राइट, मिडिवल टाइम्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग जो अगर आपसे कोई फेयर एंड फेस्टिवल पूछा जाएगा तो इट मस्ट बी इन करंट अफेयर्स। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नॉट सेम। तो मेनली ये 4 चैप्टर्स पे आपको फोकस। ठीक है, दिस इज वॉट इज मेन थिंग। इसके बाद जो सेक्शन डी होता है आपके नितिन सिंघानिया का, उसमें आपको मेनली इस पे फोकस। ठीक है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ठीक है, दिस इज वॉट यू हैव टू मेनली फोकस अपॉन। ठीक है, तो इसके साथ जो है आप आज करिए इसको। इसके बाद जो है डे 8 का जो टारगेट है, देयर वी विल बी यू नो आई विल बी गिविंग यू टारगेट्स टू डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहां पे वो करेंगे, और उसके साथ हमारा आर्ट एंड कल्चर खत्म होगा, और उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूज़पेपर और ऑप्शनल के टारगेट्स इट रिमेन्स द सेम। ठीक है, सो आई होप एंड अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट, कभी अगर बाई चांस ऐसे बीच में ब्रेक वगैरह आता है, एंड इफ यू गेट एडिशनल टाइम, मान लो आपने अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आपके पास एडिशनल टाइम है, तो डिवोट दैट टाइम टू योर ऑप्शनल। ठीक है, जो भी एडिशनल टाइम है प्लीज डू डिवोट इट टू योर ऑप्शनल। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो न्यूज़पेपर है उसमें 1 to 1.5 आवर्स, अब तो इतना टाइम हो गया, सो 1 आवर के अराउंड आपको जो है न्यूज़पेपर कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा द सजेशंस दैट आई वुड बी गिविंग यू इज दैट ऑब्वियसली अभी भी टाइम है, एटलीस्ट अगर आप 23 का एम कर रहे हो तो एटलीस्ट आप जो है दिसंबर एंड तक, तो दिस इज द लीस्ट, चाहे तो जनवरी तक जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली करते रहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, बट एक आंसर तो लिखिए डेली, तो राइट एटलीस्ट 1 आंसर, एटलीस्ट 1 आंसर इतना तो करिए, ताकि आपकी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप हो जाए। वंस योर आंसर राइटिंग स्किल इज डेवलप, तो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस जो है, चलो छूट भी जाती है, तो प्रीलिम्स देने के बाद दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो उसी लेवल ऑफ स्किल से आप जो है शुरुआत करोगे। ठीक है, एंड ट्राई टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, और जो भी प्रोग्रेस है डू मैंशन इट इन द कॉमेंट्स। एनी डाउट, एनी क्वेरी, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन, कोई फीडबैक है, तो प्लीज डू टेल अस इन द कॉमेंट्स। एंड लास्टली, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रेप आईएएस, और डेली गाइडेंस प्रोग्राम पर टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को हमारे साथ, राइट, टू गेट दी रेगुलर अपडेट्स। उसके और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो यू कैन फिल अप दैट फॉर्म एंड यू विल गेट दी इन्वाइट फॉर दी टेलीग्राम ग्रुप। सो दिस इज इट फॉर टुडेज टारगेट, सी यू अगेन टुमारो, थैंक यू वेरी मच।